Why would you do that? We're in the end game now. बार बार हमें ये वाले सूट दिखते रहे हैं, बार बार हमें इस लीक के बारे में पता चलता रहा है और बार बार मूवी के डायरेक्टर जो और एंथनी रूसो ने कहा है कि ये सारे के सारे लीक फेक है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन लीक्स के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सचिन निगम और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्वल की कोई भी मूवी अपना सबसे ज़्यादा वाला पैसा जो कमाती है वो कमाती है टॉयज से और मर्चेंडाइज से। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर किसी मूवी ने $2 बिलियन का बिजनेस किया तो उसकी टॉयज की सेल, उसके मर्चेंडाइज की सेल लगभग 4 से 6 मिलियन की तरफ जा सकती है। तो मार्वल या फिर कोई और भी कंपनी, अगर मैं बात करूँ स्पेशली डिज्नी, तो अपना बहुत सारा पैसा मर्चेंडाइज और टॉयज से बनाती है। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका मार्केट का वैल्यू डाउन हो जाए, उसका पैसे का वैल्यू डाउन हो जाए और उसको प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो। अंत में हमें ये बात पता है कि मार्वल और डिज्नी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सबको प्रॉफिट से मतलब है, यानी सबको पैसा चाहिए। और अगर वो टॉय से पैसा कमा सकते हैं तो डेफिनेटली टॉय लाइन में वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और हमें हर मूवी के अंदर, जब भी हमें कोई ना कोई एवेंजर की मूवी देखने को मिलती है, जब भी हमें कोई ना कोई एवेंजर्स या फिर उनके पार्ट्स की मूवी देखने को मिलती है, तब हमें उनसे रिलेटेड टॉय भी देखने को मिलते हैं, जो कि लेगो, फनको पॉप, साथ ही साथ उनके ऑफिशियल मर्चेंडाइज फ्रॉम डिज्नी, वो सारे के सारे हमें मूवी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जो कि लोग कलेक्ट करते हैं और उसके लिए अच्छा पैसा देते हैं। तो डिज्नी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि उनके प्रोडक्ट की सेल ना हो। और यहाँ पर आते हैं ये टॉय के लीक्स। जो और एंथनी रूसो ने इस बात के लिए हमें पहले ही बोल दिया था कि जितने भी ये सारे सूट्स हैं, ये जितने भी टॉय लीक्स हैं, ये सारे के सारे फेक है। बट मुझे ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कंपनी $1 से $2 मिलियन किसी फेक टॉय को प्रोड्यूस करने में नहीं लगाएगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो और एंथनी रूसो हमसे झूठ बोल रहे हैं। ये सूट्स, ये सारे के सारे टॉयज जो हमें ऑलरेडी देखने को मिले हैं, जो उन्होंने सूट पहने हुए हैं, ये सूट मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और मूवी के अंदर प्रोमिनेंट होने वाले हैं, ताकि हमें पता चले कि मूवी के अंदर क्या होगा। इसलिए ही ये सारे के सारे टॉयज बनाए गए हैं, स्पेशली ये सूट के साथ में, क्योंकि ये सूट मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि ये जो सूट है ये अवेंजर्स को हेल्प करेगा क्वांटम रियल्म में सफ़र करने का। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सूट होने वाले हैं, ये सूट होने वाले हैं टाइम ट्रेवल सूट, जो कि क्वांटम रियल्म से रिलेटेड नहीं होंगे। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये सारे के सारे सूट हैं इंस्पायर्ड क्वांटम रियल्म के सूट से। हम ये बात जानते हैं, जब हमने एंटमैन एंड द वॉस्प का सेकेंड पार्ट देखा था, मतलब एंटमैन एंड द वॉस्प हमने देखी थी, तब हैंक पिम ने सिमिलर टाइप का सूट बना रखा था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हैंक पिम मर चुका है तो सिमिलर टाइप का सूट बनाएगा कौन? और जवाब है हमारा जीनियस टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क एक्चुअली में उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सूट्स को बना सकता है। और पुराने ऑफिशियल लीक्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अवेंजर्स के हाथ में एक डिवाइस है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले जो प्रोमो इमेज आई थी, जिसका ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं ब्लैक विडो के लेफ्ट हैंड के अंदर वो डिवाइस मौजूद है। और अभी थ्योरी ये चल रही है कि सारे के सारे जो सूट बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं नैनो टेक्नोलॉजी से, जो कि उस डिवाइस से बाहर निकलेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि हर एवेंजर को एक नया सूट मिलने वाला है और सारे के सारे एवेंजर एक बार लास्ट टाइम असेंबल होने वाले हैं। आप इनके लोगों को भी देख सकते हैं, यानी ये सारे के सारे एवेंजर्स का पार्ट अप बन चुके हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। अब इन्हीं टॉयज़ के बीच में हम देख सकते हैं हमारी प्यारी कैप्टन मार्वल। लेकिन आपने एक चीज़ को नोटिस ज़रूर किया होगा, वो ये है कि सारे के सारे एवेंजर्स के जो टॉयज़ हैं उनके पास है क्वांटम रियल्म के सूट, बट कैप्टन मार्वल के पास किसी भी तरह का कोई भी सूट नहीं है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि शायद कैप्टन मार्वल क्वांटम रियल्म में जाएगी ही नहीं, वो क्वांटम रियल्म में सफ़र करेगी ही नहीं और उसको सूट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। या फिर दूसरा, क्वांटम रियल्म में जाने के लिए कैप्टन मार्वल इतनी पावरफुल है कि उसको क्वांटम रियल्म में जाने के लिए किसी भी सूट की ज़रूरत नहीं है। ये दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने निकल कर आती हैं और मेरे हिसाब से मूवी के अंदर हमें दूसरी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब कुछ भी हो, ये सूट कैसे भी हो, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका इस टीम को लीड करेंगे और शायद क्वांटम रियल्म में अगर कोई फाइट भी होने वाली है, उसके अंदर उन दोनों का प्लान बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उन दोनों की जो मैकेनिक्स होने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के फिगर को साथ रखा गया है और दोनों ने वही शॉर्ट पहना है जो कि हमने ऑलरेडी फोटोज़ के अंदर देख चुके हैं। तो अभी आप, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्चुअली में सूट क्वांटम रियल्म्स के हैं, क्या एक्चुअली में मार्वल और डिज्नी हमें मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर कुछ और हो सकता है, या फिर ये टाइम ट्रैवल की सूट है। कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, आज से हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करने वाले हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना होगा।
तो इस वीडियो में मेरा जो सवाल है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर में जाकर कितनी पॉसिबिलिटी देखी थी। अगर आपको गूगल नहीं करना, आपको मूवी नहीं देखनी, आपको बस कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं उसका जवाब दूंगा अगली वीडियो के अंदर, विनर का भी नाम बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर।